नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल जीके एरुटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके मोबाइल नंबर में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ये कैसे पता करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इसको कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लीजिए या कोई भी वेब ब्राउज़र खोल लीजिए, ठीक है, और गूगल में टाइप कीजिए UDAI। और जैसे UDAI टाइप करके आप एंटर की को प्रेस करते हैं, आपके सामने जो है ये जो पहला लिंक ओपन होकर आता है UIDAI.gov.in, ये जो है आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो इस लिंक को ओपन करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करता हूँ और देखिए ऐसे ही वेबसाइट जो है ओपन होकर बिल्कुल आपके सामने आएगी, देखिए बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे दिया होगा वेरीफाई एन आधार नंबर, जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ऑप्शन वेरीफाई एन आधार नंबर, तो इस पर जो है आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं एक दूसरा विंडो ओपन होकर आता है और यहाँ पे जो है आप जो है 12 अंकों का जो है आपका आधार नंबर है, उस आधार नंबर को जो है यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप टाइप करेंगे और आधार नंबर वो सही होगा तो यहाँ पर सही का ट्रिक बन जाएगा, ठीक है। और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को बिल्कुल वैसे ही जिस तरह दिख रहा है यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको प्रोसेस टू वेरीफाई पर। जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, आधार नंबर जो है ये इसका एज बाउंड, जिसके नाम से ये आधार है उसकी एज जो है 20 से 30 साल के बीच में है, वो जेंडर यानी मेल है फीमेल है वो मेल है, उसका स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, और मोबाइल नंबर का जो लास्ट 3 अंक है 342, ठीक। तो ये जो मोबाइल नंबर जो है उस ये जो आधार कार्ड है उस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है जिसके अंत में 342 है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल जेके एरुटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत